ओम शांति। आप सदा संपूर्ण स्वस्थ रहे, मस्त रहे। आपका मन शुभ चिंतन से भरपूर रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। कई बार हमारा स्वभाव बहुत चिंता वाला हो जाता है, छोटी छोटी बात की चिंता करते बहुत उसके डीप गहराई में चले जाते हैं और हम अपना अमूल्य समय, एनर्जी, थॉट्स व्यर्थ गवा देते और उसका तो हमारी हेल्थ पर बुरा असर होता ही है। चिंता है क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हुआ तो क्या होगा। ये जो क्या क्या की, क्या क्यों, इसकी ना क्यों लग जाती है, नॉन स्टॉप एक्सचेंज चलती है। अब इसको कैसे स्टॉप करेंगे? अरे चिंता करने के बजाय जिस बात की चिंता है, जो प्रॉब्लम आपको सता रहा है, उसको सॉल्व करो ना। अच्छा अपने से पूछो, जिस बात की चिंता है, डर है, अपने से पूछो। चलो अगर वर्स्ट में वर्स्ट कुछ हो गया तो क्या इसके बारे में अभी हम कुछ कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते ना? तो ठीक है, जब कुछ ऐसा हो जाएगा उस समय अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन अभी चिंता मत करो। सेकंड, अगर अभी मैं कुछ कर सकता हूं क्या, अभी मेरे पास कुछ सॉल्यूशन है क्या, तो करो। चिंता है मुझे कोरोना हो गया तो, अरे लेकिन अभी हुआ तो नहीं है ना। जस्ट टेक केयर, हर तरह से अपना ध्यान रखो। कहां बार बार सोचने से हो न जाए, क्योंकि वॉट एवर यू थिंक अबाउट यू ब्रिंग अबाउट। सो प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर ओन थॉट्स। अपने विचारों से अपनी खुद की रक्षा करो, आज इसकी बहुत जरूरत है। मुझे चिंता है मीटिंग की, मेरी मीटिंग कैसे होंगी। चिंता करने के बजाय उसकी अच्छी तरह से प्लानिंग करो, अपने आप को अच्छी तरह से तैयार करो और कह दो जो होगा अच्छे से अच्छा होगा। चिंता है बारिश आ गई तो, मुझे कोल्ड एंड कफ हो गया तो, ओके अपना पूरा ध्यान रखो, सब कुछ तैयार रखो, लेकिन चिंता करना छोड़ो और उस चिंता के विचार से अपने आप को बचाओ। कुछ कर सकते हो तो करो, लेकिन शुभ चिंतन करो तो आप लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। हैप्पी डे।